किसी चीज को रखना, उसका उसकी महिमा को जानना भी जरूरी है, उसके महत्व को जानना भी जरूरी है, तभी आप उसके प्रति आदर रख पाएंगे। महाराज, गाय की तरफ से कोई भेद नहीं है, कोई भी रखे एक जैसा ही दूध देती है, कोई भी हो भले ही, पर हमारी बुद्धि विकृत हो गई, कर दी कुछ लोगों ने, तथा कथित धर्म गुरु जो हैं जिनके, उनने हमारी बुद्धि को विकृत किया है। महाराज, ऐसे धर्म गुरु दोषी हैं, निर्दोष नहीं है। जो धर्म गुरु समाज की बुद्धि को विकृत करते हों, वो धर्म गुरु दोषी है। महाराज, और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। शुक्राचार्य को कई बार डंडे खाना पड़े भगवान के यहां से, क्योंकि वो दैत्यों का संग दे देते, इसीलिए महाराज शुक्राचार्य को। शिव पुराण में भगवान शिव को इसीलिए गुस्सा आ गया था। भगवान शिव वो एक असुर को मार देते बार बार, और ये जाके शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उसको जिंदा कर देते। शंकर भगवान ने सोचा पहले इनको ही निपटाओ, तो शुक्राचार्य को नंदीसुर के द्वारा उठवा लिया दैत्यों की वो टेंटमेंट जहाँ लगे थे, सामने आने लगे थे, उसी में से शुक्राचार्य को उठवा लिया नंदीश्वर के द्वारा। अब दैत्य लोग आए बचाने के लिए, शुक्र हमारे गुरु गुरु गुरु, इतने में तो भगवान शिव ने शुक्राचार्य को मुंह में रखा और पेट में निगल गए चुपचाप, झंझट खत्म। महाराज, किसी भी धर्म का कोई गुरु हो, मूल में उसका कर्तव्य है अपने अनुगतों को, अनुयायियों को निर्विकार करना। महाराज, मूल में सबका एक ही कर्तव्य है, अपने अनुगतों को निर्विकार करना। ईश्वर के यहां निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सबको निर्विकार करना, पर सामान्यतः ये चीज देखने में नहीं आ रही है। महाराज, बेमनस्ता का भाव डाल रहे हैं धर्म के ठेकेदार। भेदभाव डाल रहे हैं धर्म के ठेकेदार, समाज को गिलानी से भरने का काम कर रहे हैं धर्म के ठेकेदार। कैसे भला होगा इस दुनिया का। महाराज, कबीरा गुरु के देश में बस जाने जो कोए, कागा से हंसा बने जाति वर्ण कुल खोए। ये गुरुओं का कर्तव्य होता था, चाहे जातिगत गिलानी हो, चाहे वर्णगत गिलानी हो, चाहे कुलगत गिलानी हो, गुरु वो होता है जो इससे मुक्ति दिला देता है महाराज, ना कि इसका एहसास कराता है। गुरु इससे मुक्ति दिलाता है महाराज, और कोई साधारण संत नहीं कह रहा है, कबीर जैसा परमहंस कह रहा है इस बात को। गुरु किसी को गिलानी बोध नहीं, ज्ञान का बोध देता है महाराज, पर अल्पज्ञ ठेकेदार समाज का नुकसान कर रहे हैं।